हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिल मालवीय, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे कि हम यूसी ब्राउज़र में कुछ डाउनलोड करते हैं, उसके बाद जो फाइल रिट्राई या फेल हो जाती है उसको वापस रिज्यूम कैसे करते हैं। हम बहुत से यूसी ब्राउज़र में फ़ीचर्स का यूज़ करते हैं, लेकिन ये फ़ीचर्स आपने कभी यूज़ नहीं किया होगा। ये ऐसा ट्रिक है जिससे हम अपने बिना एमबी को, नेट एमबी को वापस गवाए, वहीं से आप डाउनलोड स्टार्ट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा आसान सा ट्रिक्स हैं, उसको आप ध्यान से देखना, वीडियो पूरा देखना और अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, मैंने ये सबसे पहले मैंने एक खुद एक फ़ाइल डाउनलोड की थी, लेकिन ये फेल हो गई। अभी रिट्राई बता रहा है, मेरा नेट एमबी भी अभी बहुत कम पड़ा है, तो मैं वापस इसको डाउनलोड तो नहीं कर सकता हूँ। इसको यहीं से मेरे को स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी नेट बैलेंस बहुत कम है। तो ये 461 MB फाइल है, मैंने 310 MB डाउनलोड की, फेल हो गई। फिर अभी रिट्राई बता रहा है, इसको वापस यहीं से रिज्यूम करने के लिए एक ट्रिक है, तो आप इसको ध्यान से देखना वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस फाइल का डेस्टिनेशन देखते हैं कि कहाँ पे अपने ये फाइल पड़ी है जो अभी आधी डाउनलोड हुई। इसके लिए डिटेल्स में जाएंगे, ये आप इसका डेस्टिनेशन आएगा, ये रहा इसका डेस्टिनेशन, यहाँ पे फाइल पड़ी है। सबसे पहले इसके डेस्टिनेशन को कॉपी करेंगे, कहाँ पे ये इसकी फाइल पड़ी है। तो इसके लिए फाइल मैनेजर में जाएंगे, ओके किया फाइल मैनेजर को। यहाँ पे फाइल मैनेजर मेमोरी कार्ड में मेरे इसका सेव होता है। फिर एंड्रॉइड्स में जाएंगे, फिर डाटा है, फिर इसमें जाएंगे यूसी ब्राउज़र का फोल्डर कहाँ आता है जिसमें ये फाइलें सेव होती है, ये रहा यूसी ब्राउज़र। फिर फाइल्स, फिर डाउनलोड, तो ये रही इसकी फाइल। इस फाइल को यहाँ से कॉपी करेंगे, ओके करके दोनों को कॉपी किया। इसको डिलीट नहीं करना है, इसको सिर्फ कॉपी करना है, मोर जाएंगे, इसको कॉपी किया। अब ये कॉपी फाइल हम मोबाइल के किसी भी फोल्डर में सेव कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिएट फोल्डर कर दिया, यहाँ पे हम लिख देते हैं यूसी ब्राउज़र फाइल, इसको क्रिएट कर दिया। यहाँ पे जाकर हम इसको फाइल को पेस्ट कर देंगे। ये जो दोनों फाइल आपको कॉपी करनी है, एक टेम्प फाइल है और एक मेन फाइल है, इन दोनों को कॉपी करना ज़रूरी है। वहाँ से डिलीट नहीं करना है, खाली कॉपी करना है अपने को, और दोनों फाइल को कॉपी करना कंपलसरी है। ये कॉपी हो रही है, तो चलिए दोस्तों, ये फाइल अभी यहाँ पे कॉपी हो गई है। ये देखिए दोनों फाइल आ गई है, ये दोनों फाइल आ गई है। अब हम वापस यूसी ब्राउज़र में जाएंगे, यहाँ से यूसी ब्राउज़र में जाते हैं, यूसी ब्राउज़र। इसके बाद हम फाइल को क्लिक करेंगे, इसके बाद में डिटेल्स देखेंगे, इसका डिटेल्स जो इसका लिंक है वो क्या है, फाइल यूआरएल, इसको अब कॉपी करेंगे। इसको कॉपी करना ज़रूरी है, इसका यूआरएल है फाइल का जहाँ से हम इसको डाउनलोड किया था। इसके लिए इसको यहाँ पे कॉपी पर क्लिक करेंगे, कॉपी, तो ये अपना फाइल यूआरएल कॉपी हो गया है। इसके बाद में बैक पर जाएंगे और ये फाइल यहाँ से डिलीट कर देंगे, ये डिलीट ऑप्शन है, ओके करके इसको डिलीट, और ये डिलीट सोर्स फाइल टू, इसको भी डिलीट कर देंगे। ये डिलीट हो गई, डिलीट हो गई। इसके बाद में बैक जाएंगे, यहाँ पे सर्च बार में जो हमने कॉपी यूआरएल किया था इसको पेस्ट करेंगे, पेस्ट एंड गो, ओके करेंगे, तो ये पेस्ट हो जाएगा। ये जो यूआरएल से इसका फाइल वापस पुराना वाला ओपन हो जाएगा जहाँ से हमने इसको डाउनलोड किया था, यूआरएल से होगा, बिना यूआरएल कुछ होगा नहीं। पहले यूआरएल को कॉपी करना ज़रूरी है। ये देखो, हमने जहाँ से इसको फाइल को डाउनलोड किया था इसका वापस वो उसी वेब पेज आ रहा है, वेब पेज पे ओपन होगा, ये ओपन हो रहा है। यूआरएल को पेस्ट करना है अपने सर्च बार में, तो सर्च बार में पेस्ट करते इसको करेंगे तो जो जहाँ से इस फाइल का डेस्टिनेशन है, वेब पेज है जहाँ से हमने इसको डाउनलोड किया था, वो पेज ओपन होगा। ये इसका वापस पुराना वाला पेज ओपन हो गया है, यहाँ इसको डाउनलोड पर क्लिक करेंगे और ये डाउनलोड कर देंगे। डाउनलोड करने के बाद ये जो नया डाउनलोड है वो स्टार्ट होगा, जैसे हमारा हो रहा है डाउनलोड स्टार्ट, ये नया वाला डाउनलोड है, पुराना हमने इसको अलग फाइल में सेव कर दिया था। तो फ्रेंड्स, हमने कॉपी यूआरएल कर दिया, इसके बाद ये नई फाइल जो डाउनलोड हो रही है इसको पॉज कर देते हैं। ये फाइल को पॉज कर देना है, जो नई वाली फाइल डाउनलोड करी है। इसके बाद हम जाते वापस फाइल एक्सप्लोरर में, उसमें एसडी कार्ड में जाते हैं जहाँ पे हमारी
जो नई फाइलें हैं वो सेव हुई यूसी ब्राउज़र की, उस फोल्डर को ओपन करते हैं जहाँ पे हमारी ये फाइल सेव है, उस फोल्डर में जाते हैं। ये रही जो नई वाली फाइल है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। जो नई अभी फाइल डाउनलोड हुई नहीं, कॉपी यूआरएल करके, तो उसको डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट कर दिया, फिर वापस बैक जाते हैं। हमने जहाँ पर अपनी पुरानी फाइल थी, जो फेल हुई थी फाइल, वो सेव की थी, वो उसको कॉपी करते हैं। हमने उस फोल्डर बनाया था नया, उसका नाम था यूसी ब्राउज़र फाइल। इसको ओके करते हैं। ये जो पुरानी वाली दोनों फाइलें जो फेल हुई है, इसको वापस कॉपी करते हैं। कॉपी किया, अभी जहाँ हम यूसी ब्राउज़र के डेस्टिनेशन फोल्डर हैं वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर हमारी सब फाइलें यूसी ब्राउज़र की सेव होती है, ये फाइल्स और ये डाउनलोड। हमने वो नई वाली तो डाउनलोड कर दी, पुरानी वाली वापस इसमें पेस्ट करनी है। ये पुरानी वाली फाइल इस फोल्डर में वापस पेस्ट हो रही है, जो फेल हुई थी। ये पूरा पेस्ट होने के बाद वापस यूसी ब्राउज़र में जाना पड़ेगा। ये पेस्ट हो रहा है, दोनों फाइलों को कॉपी पेस्ट करना है। ये पुरानी वाली फाइल है जो वापस अभी यूसी ब्राउज़र के डेस्टिनेशन फोल्डर में पेस्ट हो रही है। ये देखो यहाँ पे पेस्ट हो रही है फाइल, ये पेस्ट हो गई है। ये पुरानी वाली फाइल है, वापस हमने इसी को मैं पेस्ट किए, नई वाली डिलीट कर दी है। फिर वापस जाते हैं यूसी ब्राउज़र पर, यूसी ब्राउज़र को ओके करते हैं। जो हमने पोज किया था जो नई वाली फाइल को, वापस उसको रिज्यूम कर देते हैं। रिज्यूम करते ही ये चालू हो जाएगा डाउनलोड। ये देखो अपना डाउनलोड सीधा स्पीड 300 MB से अपने पुरानी वाली फाइल रिट्राई पे आई थी या फेल हुई थी, अभी इसको वापस 310 से ये ऑटोमेटिक चालू हो गई। अभी ये पूरी फाइल अपनी डाउनलोड हो जाएगी। हमने 300 MB को सेव भी कर लिया और वही फाइल पुरानी हमने उसी जगह से रिज्यूम कर दी है, तो हमारा 300 MB बच गया और जो हमारा नेट पैक है वो उसी नेट पैक में हमारा काम हो जाएगा। तो दोस्तों इस ट्रिक को आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, यूसी ब्राउज़र में फेल हुई फाइल को वापस रिज्यूम कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।